हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। मुंबई में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। कंगना रनौत अभी पहुंची हैं भगत सिंह कोश्यारी यानी वहां के राज्यपाल से मिलने के लिए, और आपको बता दें कि जैसे ही कुछ अपडेट वहां से होगा आप तक हम पहुंचाएंगे खबर। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। और डॉक्टर संबित पात्रा, सीधा सवाल आपसे है, जो चीजें पिछले दिनों में हमने देखी मुंबई में, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला ना माने, चाहे पूर्व नेवी अफसर के साथ जो कुछ हुआ या फिर कंगना के साथ? देखिए, कुछ दिनों में नहीं, मैं तो कहूंगा कुछ महीनों से इस प्रकार की बातें महाराष्ट्र में चल रही है। आप याद करिए, एक तिवारी जी होते थे जिन्होंने कुछ कार्टून डाला था, तो आज से 3-4 महीने पहले उनके सर को मुंडवा दिया गया, उनके बाल को काट दिया गया। समीर ठाकर करके एक सोशल मीडिया में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ ट्वीट किया था, बेबी पेंगुइन कहा था। वैसे पेंगुइन कोई बहुत हानिकारक प्राणी नहीं होता है और कोई गाली भी नहीं है, पेंगुइन कहने के ऊपर उनके खिलाफ केस कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार दो भाइयों को जिनकी दुकानें थी उनके दुकान तोड़ दिए गए क्योंकि उन्होंने फेसबुक में कोरोना को लेकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की लाचारगी है उसके बारे में ट्वीट किया था। और अंत में हमने 2-3 दिन पहले जिस प्रकार एक वेटरन को, एक नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर के ऊपर जिस प्रकार आक्रमण हुआ, उनके आंख को लाल कर दिया गया, यह सब हम देख रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? कहाँ है ये? इसी मुंबई में उद्धव ठाकरे जी के लिए, जो ये मुंबई के कुछ हीरो हीरोइंस हैं जो पीआर एक्सरसाइज करते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट सीएम हैं, केवल हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट सीएम हैं, कहाँ है वो सब? एक भी कोई प्लैकार्ड पकड़ के खड़ा नहीं हुआ है कि दिस इज नॉट टॉलरेंस, आई वॉन्ट टू स्पीक, इंडिया इज लॉस्ट। ये सारे वही गैंग है ना जो अवार्ड वापसी गैंग है। ये आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, ये वही लोग हैं ना जिनको भारत में रहना दुभर हो गया था, जो डरे हुए थे, जो टर्की तक चले गए थे, और आज कहां है वो सारे लोग? उल्टे आज मैं देख रहा था, आप जो कह रहे हैं डॉक्टर पात्रा, उससे एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है, ये सहिष्णुता और असहिष्णुता कहने वाले लोग वाकई में अभी कहां है?